दो पॉइंट्स को साबित भी करूंगा कि हिंदू के धर्म ग्रंथों में एनिमल के साथ सेक्स करने के बारे में लिखा गया है और आज के मनुवादी भी जानवरों के साथ सेक्स करते हैं। मैं सबसे पहला दलील दूंगा ब्राह्मणों के लॉ बुक से यानी मनुस्मृति से। ये मेरे सामने जो मनुस्मृति है ये मेघातिथि के भाष्य के साथ दो वॉल्यूम में है और ये उसका सेकेंड वॉल्यूम है। मेघातिथि के बारे में मैं ये कह दूं कि ये 1100 साल पहले का भाष्य है मनुस्मृति का। अगर ये भाष्य ना हो तो मनुस्मृति को कोई समझ ही ना पाए। यहाँ तक कि आर्य समाजी लोग भी मनुस्मृति को समझने के लिए मेघातिथि भाष्य का ही उपयोग करते हैं। बहरहाल मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक 72 में लिखा है कि जिस कारण बीच के प्रभाव से तिर्यग योनि हरिणी आदि में उत्पन्न पवित्रता से ऋषि नमस्कार आदि के योग्य होने से पूजित तथा ज्ञान प्राप्ति करने से श्रेष्ठ हुए, इस कारण बीच वीर्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। यानी पुरुष का स्पर्म जिसे वीर्य कहा जाता है वो श्रेष्ठ है स्त्री के योनि से। यानी योनि कैसा भी हो अगर स्पर्म अपर कास्ट वाले व्यक्ति का है तो बच्चा भी अच्छा पैदा होगा। जैसे हिरण की योनि से कई बड़े बड़े ऋषि पैदा हुए क्योंकि हिरण जो जानवर होता है उसका योनि में अपर कास्ट का स्पर्म घुसाया जाता है और उस स्पर्म की वजह से हिरण की योनि से बड़े बड़े ऋषि पैदा हुए। मेरे ख्याल से ऐसा पगलेटी वाले बातों का आप लोग समझ ही गए होंगे। बताना यह है कि अपर कास्ट वाले लोग यानी ब्राह्मण क्षत्रिय एक्सेट्रा ये लोग हिरण से भी सेक्स किया करते थे। अब मैं आता हूँ मनुस्मृति के दूसरे रेफरेंस की ओर। इसके अध्याय 11 श्लोक 172 इसमें लिखा है कि अमानुषी गाय को छोड़कर घोड़ा बकरी भेड़ आदि राजस वाला स्त्री अयोनि मुख गुद्दा आदि तथा पानी में विर्यात करके पुरुष को कच्छ शांतपन व्रत करना चाहिए। यानी ये व्रत करने से पहले आदमी किसी भी पशु से सेक्स कर सकता है और ये व्रत है क्या इसके बारे में श्लोक 211 में लिखा है कि गौमूत्र गोबर दूध दही घी और कुशा का जल इनमें से प्रत्येक को एक एक दिन भोजन करे। इस प्रकार 6 दिन भोजन कर 7वें दिन उपवास करे यानी 6 दिनों तक पेशा पैखाना दूध दही घी ये सब खाए और 7वां दिन उपवास कर ले तो ये जानवरों से सेक्स करने वाला व्रत कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पराशर स्मृति की तरफ जो कलयुग का लॉ बुक माना जाता है। इसके अध्याय 10 श्लोक 15 में है कि पशु वैश्य भैंस ऊटनी वानरी गधी और सुकरी यानी सुअरी के साथ सहवास यानी सेक्स करने पर एक प्रजापत्य व्रत करे यानी इन सब जानवरों का रेप करो और ये व्रत रख लो। फिर आगे श्लोक 16 में है कि गाय जिसे आजकल हिंदू अपनी माता समझते है उसी गाय के बारे में लिखा है कि गाय के साथ यौनाचार करने वाला त्रिरात्र व्रत करके एक गाय शिरा में दे यानी गाय के साथ संभोग करे और 3 रातों वाला व्रत करके एक गाय डोनेट कर दे और भैंस ऊटनी और तथा गधी के साथ यदि वैसा करे यानी गाय को छोड़कर दूसरे जानवरों के साथ सेक्स करे तो 1 रात का उपवास करके एक गाय दक्षिणा में दे। यानी गाय के साथ सेक्स करने पर 3 रात का उपवास और दूसरे जानवरों के साथ सेक्स करने पर 1 रात का उपवास। बेचारे जानवरों में भी भेदभाव। बहरहाल आगे पढ़ते हैं। ये मेरे पास सत्पर ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है इसका हिंदी अनुवाद पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने किया है। इसके संपादक स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती है जो आर्य समाजी है। इसके कांड 13 अध्याय 5 ब्राह्मण 2 कंडिका 1-2 में लिखा है कि इस पर वो घोड़े का वध करते हैं। जब पशु का वध हो चुका तो पत्नियां पैर धोने के लिए पानी लाती है। 4 पत्नियां 5वीं एक कुमारी 400 अनुचारिया पैर धोने के पानी तैयार होने पर महिषी पटरानी को घोड़े के पास सुलाते हैं और चद्दर से ढक देते हैं। स्वर्ग लोक में तुम अपने आप को ढक लो ऐसा कहकर जहां पशु का वध करते हैं वहीं स्वर्ग लोक है। अश्व के शीशन को महिषी उपस्थ में रखती है और मिथुन की पूर्ति के लिए कहती है कि वीर्य सींचने वाले वीर्य धारण करावे। यानी इन सब चीजों से 4 पत्नियां 1000 उदासियां पशु हत्या जानवरों से सेक्स करना साबित हुआ कि कैसे एक घोड़े के साथ स्त्री मिथुन यानी सेक्स करती है। और ये स्त्री का घोड़े से सेक्स करना कोई नया बात नहीं है बल्कि कई ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है। जैसे वाल्मीकि रामायण बालकंड के अध्याय 14 के श्लोक 34 में है कि राम की माँ कौशल्या देवी भी सुस्थिर चिंत से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व यानी घोड़े के निकट एक रात निवास किया। यानी राम की माँ कौशल्या रात भर घोड़े के साथ बिताई और ये हिंदुओं में स्त्री का घोड़े के साथ सेक्स करना
को तो दयानंद सरस्वती भी मानता है। सदियात प्रकाश के 11वें समोल्लास में गोरखपुर के एक राजा के बारे में लिखता है कि सनातनी पंडित जिसे दयानंद पोपो कहता है, उन पंडितों ने यज्ञ करवाया और उस राजा की प्रिया रानी का घोड़े के साथ सेक्स करवाया, जिसकी वजह से वो रानी मर गई। और ये घोड़े स्त्री का सेक्स करने के बारे में ऋग्वेद सायन भाष्य में भी मिलता है। इसका मंडल 10 सूक्त 17 मंत्र 1-2 में है कि सरन्यू का विवाह सूर्य से जब होने वाला था तब उसे घोड़ी रूप में छिपाकर दूसरे स्त्री को सूर्य के पास भेज दिया गया। सरन्यु गर्भवती हो गई और अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। जाहिर है कि घोड़ी के रूप में घोड़े के तबेले ही में छिपाया गया होगा और किसी घोड़े के साथ संभोग होने पर वो गर्भवती हो गई होगी। बहरहाल दलील काफी है। हिंदुइज्म में एनिमल सेक्स होने का कुछ और दलील पेश करता हूँ। ये महाभारत का आदि पर्व अध्याय 107 में पांडु शिकार के लिए निकलता है। राजा पांडु जो है और वो एक मुर्ग और मुर्गी यानी हिरण और हिरणी को सेक्स करते हुए देखता है। वो अपने तीर से दोनों को बिंद देता है। तीर मारने के बाद पता चल है कि हिरण के भेष में महातेजस्वी ऋषि का पुत्र था। यानी महाभारत युग में भी ऋषि जानवरों से सेक्स किया करते थे और पशु हत्या भी साबित हुआ इसमें। और एनिमल सेक्स के बारे में जो है ब्राह्मणों में इतना चला कि आर्य समाजियों ने एनिमल सेक्स का नया नया तरीका इजाद किया। जैसे यजुर्वेद दयानंद भाष्य में अध्याय 25 मंत्र 7 में अंधे सांपों को गुद्दे यानी पैखाने के रास्ते में घुसाने को भी कहा गया है। वक्त बहुत हो रहा है इसीलिए आप लोग इसे पॉज कर के देख लीजिए या फिर किसी दयानंद भाष्य की किसी भी कॉपी से टैली कर लीजिए। इसके मंत्र 60 में लिखा है, इसके इसी यजुर्वेद के दयानंद भाष्य के अध्याय 21 मंत्र 60 में लिखा है कि बैल से भोग कर उपयोग ले, यानी बैल से सेक्स कर के लिए यूज करे। अब बेचारे दयानंद तो शादी के मंडप से भागा था एक स्त्री के जिंदगी को बर्बाद करके, और अपनी जिंदगी में जो है उसके दयानंद की जिंदगी में कभी नियोग के लिए स्त्री मिली तो मिली या फिर बैल ही से जो है अपना काम चला लिया करता था। बहरहाल कुछ भी हो, ब्राह्मणों के धार्मिक शास्त्रों में एनिमल सेक्स साबित होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के तरफ कि आज भी इनके अंदर एनिमल सेक्स होता है, और मैं दलील के तौर पर ऑथेंटिक मीडिया का रेफरेंस दूंगा और उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, जिनको देखना हो वो क्रॉस चेक कर सकता है। नंबर 1, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजेंद्र यादव नाम का व्यक्ति ने बकरी का रेप किया जिसके वजह से उसे जेल भी हुआ। नंबर 2, श्रवण मोड़ नाम का आदमी महाराष्ट्र में गाय के साथ सेक्स करता हुआ पकड़ा गया, ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक है। नंबर 3, इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक नरेश नाम का आदमी दिल्ली में एक कुतिया का रेप करते हुए पकड़ा गया जिससे वो कुतिया मर भी गई। नंबर 4, हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई का राम नरेश शर्मा को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने कुत्तों के साथ रेप किया। नंबर 5, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंकर मराड़ नाम का आदमी मध्य प्रदेश में एक गाय के साथ रेप किया। नंबर 6, डीएनए इंडिया के मुताबिक हनुमान दत्ता ने पुणे में एक कुतिया के साथ रेप किया। नंबर 7, india.com के मुताबिक रघुवेंद्र चौरसिया अरेस्ट हुआ मुंबई थाने से कुत्तों का रेप करते हुए। और नंबर 8, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई के रहने वाले मुरुगन ने रेप किया कुतिया का। नंबर 9, NDTV के मुताबिक कुलदीप करटिया ने मुंबई में एक टॉयलेट के अंदर कुतिया से रेप किया। नंबर 10, कमलेश महतो कोलकाता में कुत्ते के साथ सेक्स करता हुआ पकड़ा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये था। मेरे ख्याल से 10 रेफरेंस हिंदू धार्मिक ग्रंथों से और 10 ऑथेंटिक मीडिया का रेफरेंस रिपोर्ट जो है वो काफी रहेगा इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों और अपर कास्ट हिंदू के अपर कास्ट के अंदर एनिमल सेक्स भरा हुआ है। और ये सब रेफरेंस सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए इतना ही बयान किया गया है। अब आते हैं अंकुर आर्य के इल्जाम के ओर। पहला इल्जाम एनिमल सेक्स के लिए इस्लामिक धर्म ग्रंथ पर लगाया गया था, यानी कुरान और हदीस में लिखा गया है कि एनिमल सेक्स करने के लिए, अंकुर आर्य का इल्जाम था। मैं हदीस की किताबें खोल खोल कर देखा देता हूं कि एनिमल सेक्स करने वालों के बारे में कुरान और हदीस में क्या क्या पनिशमेंट दिया गया है। मैं सबसे पहले सुनन अबू दाऊद की हदीस दिखाता हूं। ये रहा अबू दाऊद, इसका ये 3rd वॉल्यूम है और इसके हदीस नंबर 4464 में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी
जानवर से जमा करे इसे कत्ल करो, यानी जानवर से सेक्स करने वालों को मार दो। दूसरी हदीस मैं दिखाऊंगा जामे तिर्मिजी से, ये तिर्मिजी का सेकंड वॉल्यूम है और इसमें सेम अबू दाऊद वाली हदीस लिखा है कि यानी जानवर से सेक्स करने वालों को मार देना चाहिए। तीसरी हदीस मैं दिखाऊंगा सुनन इब्ने माजा से, इसका हदीस नंबर है 2564। इसमें लिखा है कि जो जमा करे चार पांव वालों से यानी के जानवर से तो इसे भी कत्ल करो। चौथी हदीस में दिखाऊंगा बलुगुल मराम अदिल्लतिल अहकाम, यानी जो हाफिज इब्ने हजर का ये बुक है, इसमें इमाम अहमद की मुसनद के हवाले से नकल किया गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जानवरों के साथ बदफेली करे उसे मार दो। पांचवी हदीस में मिशकातुल मसाबे से दिखाऊंगा, इसमें भी जानवरों से सेक्स करने वालों को मार देने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा साबित हुआ कि जानवरों से सेक्स करने वाले के लिए सजाए मौत है इस्लाम में। और ये भी जानना चाहिए कि आजकल एनिमल सेक्स के बारे में मुसलमानों का नाम कुछ ज्यादा ही उछाला जा रहा है और इनमें से ज्यादातर न्यूज सोशल मीडिया में फेक होता है और ऐसा फेक न्यूज को सोशल मीडिया में फैलाने के लिए आरएसएस का आईटी डिपार्टमेंट ज्यादा काम करता है। बहरहाल कुछ भी हो, अगर कोई जेन्युइन केस हो जिसमें कोई मुस्लिम जानवरों से सेक्स करता हुआ पकड़ा गया हो तो उसे सजाए मौत दे दिया जाए, इसमें हर्ज किया है। यानी अगर कोई ये लॉ पास भी कर देता है कि जानवरों से सेक्स करने वाले मुस्लिम को सजाए मौत दिया जाएगा तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि अंकुर आर्य को उसका जवाब मिल गया होगा और आइंदा से कोई एनिमल सेक्स करने वालों को इस्लाम का फॉलोवर ना कहकर ब्राह्मणों का संस्कृति कहा जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जवाब पहुंचे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।